वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं वेन्यू की। वेन्यू एक जगह नहीं बल्कि एक गाड़ी का नाम है और ये गाड़ी हुंडई की तरफ से ऑफर करी जाती है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो ये बड़ी छोटी छोटी सी फील कराती थी इसके ब्रीजा और नेक्सोन के कंपैरिजन में, तभी लोग इसको कुछ इस प्रकार देखा करते थे। पर जब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया तब लोगों ने तो इसे देखकर अपना रिएक्शन ही बदल दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं हुंडई वेन्यू की। इसका सेकंड बेस मॉडल जो कि एस वेरिएंट है, उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आज हम इसमें बात करेंगे। वैसे ये गाड़ी क्रेटा और एक्सटर दोनों के बीच के गैप के अंदर आती है और ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये गाड़ी अच्छा खासा बिक जाती है हर एक महीने देखा जाए तो। बाकी ये वाला जो इसका वेरिएंट है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको DRLs वाइट कलर में नहीं देखने को मिलेगी, आपको सिर्फ हेलोजन सेटअप ही देखने को मिलेगा पूरी गाड़ी के अंदर। साइड में आपको दिखाऊं तो व्हील कैप्स आपको देखने को इस गाड़ी में मिल जाते हैं। साइड इंडिकेटर आपको फेंडर में देखने को मिलती है जो बेस मॉडल वाली फील करवाता है। रूफ रेल्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं जो इस गाड़ी को मोर SUV-ish बनाते हैं। शार्क फिन एंटीना आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ब्रेक सिस्टम की बात करें तो आगे की दो डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे की दो ड्रम ब्रेक्स मिलती है। साथ में अच्छी बात यह है कि डीफॉगर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। 45 लीटर की आपको कैपेसिटी मिलती है फ्यूल टैंक की और आपको इसमें फ्लिप की देखने को मिलती है जो काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चारों पावर विंडोज़ आपको देखने को मिल जाती है और जो आपका साइड मिरर है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है पर फोल्डेबल नहीं है। ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है जो फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाएगा आपकी गाड़ी की। इसमें आपको हिल असिस्ट भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। MID पूरी डिजिटल देखने को मिलती है जो काफ़ी लग्जरी और प्रीमियम लगती है देखने में। ऑडियो कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं स्टेयरिंग के अंदर ही। टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है सेकंड बेस वेरिएंट से और आपको AC मैनुअल मिलेगा लेकिन काफ़ी प्रीमियम फिनिश में बटन आपको देखने को मिलते हैं। हैंड रेस्ट आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, उसके अंदर एक अच्छी खासी स्पेस है जिसमें आप कीज़ वगैरह रख सकते हो। हेडलाइट एडजस्टमेंट स्विच आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। रियर AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक अच्छी बात है ये। कंपैरिजन गाड़ियों के मुकाबले ना इसकी पावर थोड़ी कम है, जैसे नेक्सोन और ब्रीजा है इसमें 1200 cc का इंजन आता है, नेक्सोन ब्रीजा में ना पावर थोड़ी ज़्यादा जनरेट होती है। पंच जैसी पावर आपको देखने को मिलेगी, ऑन पेपर है सारी बातें। बाकी ABS, EBD, ESC 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे सेफ्टी के तौर पर। ये कुछ प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी का। बाकी इस गाड़ी में टर्बो इंजन भी आता है लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। इस प्राइस में तो आपको यही वाला इंजन देखने को मिलेगा, हालांकि इंजन के साथ कोई शिकायत नहीं, काफ़ी रिफाइंड इंजन है इस गाड़ी का। अब मेन चीज़ जो आती है ना वो आती है वर्डिक पे। अब इसकी जो कॉम्पिटिशन की गाड़ी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे नेक्सोन आ जाती है इसके कॉम्पिटिशन में और साथ में ब्रीजा आ जाती है और वो दोनों गाड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा बिकती हैं इस गाड़ी के मुकाबले। बाकी इस वेरिएंट के अंदर आपने देख ही लिया कि काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है ब्रीजा की भी और नेक्सोन की भी। इन दोनों गाड़ियों के जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm की देखने को मिलती है जो कि नेक्सोन और ब्रीजा से कम है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस सफिशियंट है आपके लिए अगर आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करते हो। अगर इस गाड़ी की भी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार आ जाती है जैसे हुंडई की वर्ना की आई थी तो ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। फीचर रिच गाड़ी है, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है ये भी। बाकी एक और गाड़ी है किया सोनेट जिसका फेसलिफ्ट अभी थोड़े टाइम में लॉन्च हो जाएगा तो एक और कंपटीशन बढ़ने वाला है इस सेगमेंट के अंदर। बाकी गाड़ी लेने से पहले हमेशा टेस्ट ड्राइव करें ताकि आपको पता चले गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।